आई थिंक तो मेरा लॉन्च हो रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है. मुझे बहुत मज़ा आया मुझे अपने आप को देखते हुए, और बहुत ही डिफरेंट था ये कैरेक्टर. हम लोगों ने पहले कभी, एटलीस्ट मेरे 9 साल के करियर में, मैंने ऐसा कभी भूलने वाला और भड़कने वाला वेरी क्लोज टू माई रियल लाइफ कैरेक्टर मैंने कभी नहीं किया है. सो आई थिंक आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम सीइंग एंड आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग. साथ में काम कर रहे हैं, सो इन अ नॉन आई मीन अ फिक्शन थिंग. तो ये चैलेंजिंग था आपके लिए, एंटरटेनिंग का क्या था बेसिकली? इट्स नॉट चैलेंजिंग, इट्स नॉट चैलेंजिंग, वी जस्ट हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट. और स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया है, डायरेक्टर इतना बढ़िया है, तो आउटकम तो बहुत बढ़िया ही होने वाला है. सुमित राघवन की एक्टिंग की बात करें तो कैसी एक्टिंग थी उनकी अगर देखा जाए तो? Oh, he's always good. It's always. Not about this serial. He's always very good. Even off sets, जब हम लोग बात करते हैं, तो जब हम कोई भी कॉन्वर्सेशन शेयर करते हैं, हेल्दी नॉन हेल्दी डिसेंट या वल्गर, हम बहुत हंसते हैं. और आपकी खुद की जो कॉमिक टाइमिंग थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think I'm doing good for the first episode. I think I will only better myself with actors around me and the support from my director. I'll only be, मैं अच्छे करने की कोशिश करूँगा, जो भी है ये कोशिश है. अभी कितना पसंद आता है लोगों को ये आगे. और जो कॉमेडी सीरियल या सीरीज आते हैं, कितना डिफरेंट था ये सीरियल अगर देखा जाता है? डिफरेंट मेरे लिए इतना ही था बिकॉज द डायरेक्टर सो इन्वॉल्व और मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है. दैट्स व्हाई आई रियली एंजॉय कमिंग टू वर्क. इतने सालों के बाद मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टार्टिंग टू वर्क ऑल ओवर अगेन. बहुत खुशी होती है जिस, क्योंकि किसी भी बड़ी सीरियल का पहला एपिसोड सही जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहला सुर सही लगना चाहिए. ये सांस सही लग जाता है तो फिर आपकी सीरियल अच्छे नोट पे जाती है. और ये विषय इतना ऐसे मुश्किल था इसलिए हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी ने एलियंस, स्पेस, उन विषयों को लेकर कॉमेडी नहीं बनाई, ना फिल्म में ना टीवी में. तो इट इज़ अ फर्स्ट एवर एलियन कॉमेडी इन द कंट्री. हिंदुस्तान में पहला ऐसा शो है जो एक एलियन कॉमेडी है. तो इसका आपका पहला सुर सही होना बहुत ज़रूरी होता है. और आज हमारे ईश्वर की कृपा से आपने भी देखा, आपने तो रिकॉर्ड किया, लोगों के रिएक्शन अब देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, सब अच्छा जा रहा है. तो वी आर वेरी 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 हैप्पी एंड आशा रखते हैं, आशा करते हैं कि लोगों को बहुत पसंद आए और ये सीरियल बहुत 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 चले. और जो कास्टिंग किए थे आपने, सुमित का, रूपाली का और तनाज, इन लोगों कास्टिंग का बेसिस क्या था? मतलब सुमित पे तो हमारे कास्टिंग का बेसिस हमेशा ये रहता है कि हम बहुत जो किरदार होते हैं उसके हिसाब से लुक में, और टैलेंट बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक्टर को कॉमेडी की सेंस होनी चाहिए. तो बहुत अच्छी तरह पूरी टीम ने मेहनत करी और ख़ास ख़ास बात का धन्यवाद मैं पूरी टीम को देना चाहूँगा. जो जैसे हम इस पर 9 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो सुमित राघवन 6-7 महीने पहले कास्ट हो चुके थे, बख्तियार 6-7 महीने पहले. उन सबको जब तक हमको पूरी कास्टिंग सही नहीं मिली, हमने कहा यू विल टू वेट, वी विल नॉट स्टार्ट. तो जब तक पूरी कास्ट सही नहीं मिल जाएगी तब तक हम शुरू नहीं करेंगे, ऐसा जब हमने को कहा था. तो सारे लोग रुके 6 महीने 7 महीने 5 महीने, जिनका जितना वक्त, और एक भी बंदा ने शो नहीं छोड़ा या दूसरा काम नहीं लिया, क्योंकि उन सबको ये कॉन्सेप्ट में विश्वास था. हर कोई नया कुछ करना चाहता है तो सबको लगे बहुत अच्छा हो रहा है, नया है, तो सब रुके. और आज आप देख रहे हैं रिजल्ट कि एक एक छोटे से छोटा बच्चा आज निखर के बाहर आ रहा है. आखिरी सवाल, आपके प्रोडक्शन में हेड्स ऑफ प्रोडक्शन ने पहले भी सक्सेसफुल सीरियल दिया है, तो उससे उम्मीदें कितनी बढ़ती हैं दर्शकों को? देखिए, आज दर्शकों की ना हर शो से उम्मीदें बड़ी होती है, क्योंकि हर मिनट लोगों का कीमती है. तो ये तो आप 30-30 मिनट ले रहे हो लोगों की रोज़, तो दिस इज बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो वो आज एक टी शर्ट भी लोग नहीं मैं बदल देते हैं. आज लोगों के फिंगर टिप पे इतनी सारी चैनल्स है, इतनी कॉम्पिटिशन है, तो एक मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे. तो उम्मीदें जो पहले थी उससे कई गुना बढ़ गई है. तो जिस तरह का हमारा काम पहले होता था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम करना ज़रूरी है. अच्छा लगने के लिए नहीं, वो नहीं करोगे तो लोग आपको 2 दिन भी नहीं रुकाएंगे. तो हमने बहुत मेहनत करी है, हमने ये उसको समझा है, और इसलिए हमने 9 महीना इस शो पे काम किया है, जिसका नतीजा भी हम देख रहे हैं. और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखें और एंजॉय करें. आतिश लाइव गया, उसकी खुशी तो हर जो शो होता है ऑन एयर उसकी होती है, पर इसमें ज़्यादा खुशी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि इस बार जो है एक अलग तरह का प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है कि एक एलियन को देखकर लोगों के मन में 1000 सवाल खड़े हो रहे हैं. हमने उनको वल्नरेबल रखा है कि अरे ये बेचारे कहाँ फंसे इंसानों के बीच में.
तो उसका जो रिएक्शन हम चाहते थे वही मिल रहा है, वो देखकर बहुत मजा आ रहा है। तो एज अ प्रोड्यूसर एलियन कॉमेडी सीरीज शुरू करने की जब बात आपने सोची तो कितना चैलेंज था आपके? चैलेंज ये था क्योंकि एक एक प्रथा है कि एलियंस आते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए आते हैं, कुछ बुरा करने के लिए आते हैं, और या फिर एलियन जैसे दिखते होते हैं। तो हमने इंसानों का रूप देखकर एक एलियन फैमिली को इंट्रोड्यूस करा, तो उसमें हमारी चैलेंज ये थी कि उनको बेचारा कैसे दिखाया जाए सुपर पावर्स होने के बावजूद। तो वो स्ट्रगल जब हम मेंटली कर रहे थे और फिर उसका जो है मैं स्क्रिप्टिंग करने बैठा तो उसका जब सॉल्यूशन मिला तो बहुत मज़ा आया, और फिर उसको उसी तरह से ट्रीट किया। अगर आपने देखा हो एपिसोड तो वो हर तरफ से वो बेचारे डरे हुए हैं कि अब क्या होगा, और वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि वो पकड़े ना जाए। सुमित राघवन को कास्ट करने की बात कैसे हुई? बिकॉज ये रोल सुमित के अलावा और कोई कर नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं थी, कोई दो दूसरी चॉइस नहीं थी, सुमित राघवन मतलब ये फिक्स था। तो दर्शकों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? दर्शकों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये शो जो है पूरा परिवार बैठ करके देखे, क्योंकि उसमें छुपे हुए ढेर सारे मैसेजेस हैं जैसे कि सब टीवी के हर शो में होते हैं। इसमें हमने एक और एक मैसेज डालने की कोशिश की है कि हम हमसे जो अलग होता है उसको एलियन समझते हैं, चाहे वो किसी और देश से आया हो या किसी ग्रह से आया हो, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारे और उनके बीच में जो भेद है, जो डिफरेंस है, वो उनके लिए उतना ही होगा। बिकॉज हम और आप जितने दूर हैं, अगर आप मेरे लिए इतने दूर हैं तो मैं आपके लिए उतना ही दूर हूँ, तो उस डिस्टेंस को कैसे जो है कम किया जाए, ये एक यूनिवर्सल थॉट को लेकर के हमने शो को एंटरटेनमेंट कर देते हुए हमने इसमें इस मैसेज को पिरोने की कोशिश की है। ये पूरे परिवार को बहुत पॉजिटिव फील देगा, ये मुझे यकीन है। बहुत, मैं इस शो का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे मित्र हैं जे डी आतिश, उनका शो है, और बहुत ही मज़ा आया, नया कॉन्सेप्ट है, और बहुत ज़रूरी है कि टीवी में भी नई चीज़ें हों और नए कॉन्सेप्ट आए। ये एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। सुमित इस सीरियल का फेस है, आपकी फिल्म में भी काम किया सुमित ने, उनकी एक्टिंग कैसी पाई आपने? सुमित एक बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने सिर्फ इस सीरियल या हॉलीडे की बात नहीं, मैंने सुमित का बहुत सारा काम देखा और उन्होंने हर बार बहुत बेहतरीन काम किया है। पर मुझे खूबसूरती इस बात की लगी कि इस सीरियल में कुछ नए कलाकार हैं जो कि सुमित और बख्तियार और तनाज जैसे बहुत ही सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं देख के कोई सीनियर जूनियर नहीं लगता, सबका काम बहुत बेहतरीन है, और एक टीम वर्क जो होता है जो एक शो को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़रूरी होता है, वो मुझे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से दिखाई दिया। हॉलीवुड को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जब आपने हॉलीवुड बनाने की सोची थी तो आपको इतनी अच्छी रिस्पांस की उम्मीद थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा दर्शकों की तरफ से? हम जब भी फिल्म बनाने की सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस होगा। खुशी इस बात की होती है कि लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है, एक चीज़ होती है कि आपको बहुत सारा बिजनेस हो रहा है, और एक चीज़ होती है कि लोगों को आपकी फिल्म बहुत पसंद आ रही है, जिस तरीके से प्रेस से मीडिया से रिव्यूज़ मिल रहे हैं, हर जगह 4 स्टार 3.5 स्टार, और जिस तरीके से ऑडियंस का रिस्पांस है, जितना प्यार ऑडियंस इस फिल्म को कर रही है, जितनी उन्हें अच्छी लग रही है ये फिल्म, वो हमारे लिए सबसे बड़ी संतोष की बात है। आखिरी सवाल, अक्षय ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू की वुमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इनिशिएटिव पर हमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, अक्षय हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ जुड़े रहे हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत कदम है, और इसमें आदित्य ठाकरे उनके साथ हैं, इससे उसको एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाने का मौका मिलेगा, और ये हमारे देश की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत भी है, वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेल्फ डिफेंस। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सब लोगों को इस इनिशिएटिव में उनके साथ जुड़ना चाहिए। और वो भी ऐसे, और इतने सारे लोग जिनके साथ हमने काम किया है वो, और उसके बाद कुछ ऑडियंसेस भी थे, मतलब मदर इन लॉ, मदर्स, तो कहते हैं ना कि क्रिटिक्स घर से ही होते हैं, लेकिन उन्हें ही इतना पसंद आया, लाफ्टर्स मिल रहे थे जो हम लोगों को पता था कि ये पंच पे लाफ्टर चाहिए ही और आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वो भी थोड़े बेस्ट अर्थविन बटरफ्लाइज थे पहला एपिसोड है, लेकिन सुमित को कितना मिस कर रहे हैं? सुमित आज प्रेजेंट नहीं है। हाँ, बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब हेड ऑफ़ दी फैमिली है और सुमित सर नहीं है, ऑफकोर्स जहाँ पे है वो शो कर रहे हैं इंदौर में और भोपाल में, वहाँ पे वो ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली मिस कर रहे हैं बहुत, क्योंकि इस सफ़र जो है वर्कशॉप से लेके एपिसोड शूट करने तक वहाँ से उनके साथ शुरू हुआ है, तो आज डेफिनेटली मिस कर रहे हैं कि वो रहते साथ में तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन सुमित सर वी रियली मिस्ड यू और है ही वो साथ में अभी आगे। आपको खुद ये शो कितना एंटरटेनिंग लगा, कितना मनोरंजक लगा ये शो आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हर एक के अंदर
अगर एक छोटा बच्चा होता है तो बच्चों को ध्यान में रख के अगर मैं देखूँ ये शो तो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगा, या फिर अगर मैं ग्रोन अप भी हूँ ये उम्र में भी मुझे एंटरटेनिंग लगा क्योंकि ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं. यू नो विजुअल ट्रीट जो कहते हैं, जैसे स्पेसशिप का गिरना, उसके बाद जो हमने देखा प का जो उन्होंने ट्रांसलेशन दिया, वो ग्राफिक्स बहुत अच्छे किए. कहीं पे ऐसे नहीं लग रहे अरे यार नहीं यू नो फेक है टेलीविजन के हिसाब से. कभी कभार लगते हैं क्रोमाज में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं होते, लेकिन आई 100% क्रेडिट टू द ग्राफिक्स की बहुत अल्टीमेट ग्राफिक्स है और आई प्लीजिंग है. सबकी परफॉर्मेंस वेरी सटल और जो सब टीवी का फोटे है कि वेरी सटल मैसेज और सटल परफॉर्मेंस, उस तरह से इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग. आखिरी सवाल, काफ़ी मेहनत की होगी शो को बनने में, कितनी मेहनत रंग लाई आदमी मानते हैं आप? लॉन्ग वे टू गो, मतलब आज फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, लेकिन येस जो मेहनत हम आर्टिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आतिश सर कर रहे हैं, जेडी सर कर रहे हैं, पूरी टीम, आई मीन हेड्स ऑफ की पूरी टीम, सब की पूरी टीम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या जो कोई हो जो ये शो पे मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है सब लोगों की मेहनत रंग लाएगी एंड दिस शो विल गो बड़ी दूर तक जाएगा.